इन दिनों देश सहित प्रदेश में गणेश उत्सव की धूम है। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ ये उत्सव अनंत चतुर्थी में संपन्न होगा। भगवान गणेश गणनायक गजकर्ण एक दंत रिद्धि सिद्धि के दाता मंगलकारी और शुभकारी है। गणेश चतुर्थी से शुरू हुए भगवान गणेश के इस उत्सव को सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जहां भगवान गणेश से भक्तजन अपनत्व का इन दिनों अनुभव करते हैं, तो वहीं भगवान गणेश को अपने घर में विराजमान भी करते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति को जहां विराजित कर 11 दिनों तक विशेष रूप से की जाने वाली पूजा अर्चना और विभिन्न पकवान भोग के माध्यम से भगवान गणेश को चढ़ाते हैं। इसी के चलते राजधानी शिमला के सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव को बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहां भगवान गणेश की लगभग 108 मूर्तियों को स्थापित किया गया है और भगवान गणेश के इस विशेष उत्सव में विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं लंगर की व्यवस्था भी इन दिनों देखी जा रही है, जहां भक्त भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर भजन कीर्तन कर भगवान गणेश से सुख समृद्धि और अपने विघ्नों को हरने की प्रार्थना करते हैं। गणेश महोत्सव 2023 जिसका आगाज हमने 19 तारीख को किया था और इसका जो अंतिम जो दिन है वो 28 तारीख विसर्जन सुन्नी में किया जाएगा। 108 मूर्ति की स्थापना हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने 108 मूर्ति की स्थापना की है। ये जो मूर्तियां हैं ये हम विशेष कारीगर जो महाराष्ट्र से अम्बाला में आए हुए हैं उनके द्वारा निर्मित हैं, जो हर साल हम उन्हीं से लेके आते हैं। यहाँ पे जो दिनचर्या है, सवेरे 9 बजे आरती है, शाम को 9 बजे भी आरती है, बीच में पूजा अर्चना। जो बाहर के मशहूर गायक कलाकार हैं जो गणेश जी का यहाँ पे गुणगान करते हैं, पंडाल को निहाल करते हैं, और दो टाइम सवेरे का नाश्ते का प्रबंध है यहाँ पे और दोपहर को भंडारे का भी आयोजन है रोज, और शाम को चाय वगैरह की भी व्यवस्था है। ये जो सहयोग है ये पूरी शिमला की जनता द्वारा किया जाता है, जिससे हम इतना बड़ा सहयोग इतना कार्यक्रम करते हैं। इसमें मैं विशेष तौर से पहले तो आज राधाष्टमी पे भी सबको मैं बधाई देना चाहूँगा और भगवान जी का से प्रार्थना करूँगा कि सबके आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें। मैं अब प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिन्होंने हमें ये परमिशन दे के हर साल वर्ष की भांति किसी तरह की हमारे को कठिनाई नहीं आती। पुलिस प्रशासन, नगर निगम शिमला, सफाई कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, पानी वाले भाई, मीडिया वाले भाई, सबका हम धन्यवाद करते हैं जो हमें दिन पे दिन हमें इतना सहयोग देते रहते हैं, जिससे हम इस कार्यक्रम को करने में सफल किया है। और भगवान जी से कामना करते हुए उनका भी कृपा बनी रहे और ऐसे हमें हर वर्ष सहयोग देते रहें।